हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में लॉकडाउन शुरू, पुलिस की दिखी सख्ती। बारिश के कारण घरों में रहे लोग, बाहर से आने वाले बस पर रेलवे यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी। शहर में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए एक बार फिर से शनिवार व रविवार को लॉकडाउन शुरू हो गया है। आज लॉकडाउन के प्रथम दिन बारिश के कारण लोग घरों में रहे और अधिकांश सड़कें सूनी दिखाई दी। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव स्वयं लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे। उन्होंने आम जन व वाहन चालकों से समझाइश भी की कि लॉकडाउन 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं पहले लागू लॉकडाउन के समान ही जारी रहेगी। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से ही शुरू हो गया था, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन में सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुली है, किराना और सब्जी की दुकानें भी बंद रखी गई हैं। इधर शहर में आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था, ऐसे में लोग अपने घरों में ही रहे। आवश्यक काम पर जाने वाले लोग ही घरों से बाहर निकले। बारिश के दौरान कई स्थानों पर पुलिस कर्मी भी पेड़ व छपरों के नीचे दिखाई दिए। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह ने बारिश के बीच जरूर गश्त की। उन्होंने पावटा चौराहा, नई सड़क चौराहा, घंटाघर आदि स्थानों पर बनाए गए नाकों पर रुककर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही वहां से आने जाने वाले वाहन चालकों व राहगीरों से घरों में रहने के लिए समझाइश भी की। सामान लेकर पैदल जाते दिखे लोग। लॉकडाउन का सबसे अधिक असर बस पर रेल में आने और जाने वाले लोगों पर पड़ा। इन लोगों के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई थी, लेकिन आवागमन के साधन बंद होने के कारण ये लोग हाथों में सामान लेकर पैदल अपने गंतव्य स्थानों की ओर जाते दिखाई दिए। हालांकि कुछ ऑटो शहर में चल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी मुंह मांगा किराया मांगा। सिटी बसें पूरी तरह से बंद थी, पेट्रोल पंप खुले रहे, लेकिन वहां भी गिनती के लोग ही वाहनों में पेट्रोल भरवाने आए। 2 दिन का जो लॉकडाउन है सैटरडे संडे का, उसको एनफोर्स करने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स पे पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की जा रही है। जो इमरजेंसी रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे किसी को हॉस्पिटल जाना है या काम पे जाना है, उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा किसी को अलाउड नहीं है मूवमेंट, और दुकानों में सिर्फ दवा की दुकान और दूध की दुकानें अलाउ की गई। पहले लॉकडाउन में हमने जैसे किराना, फल और सब्जी तीनों को अलाउ किया हुआ था, आप लोग को ध्यान में। इस बार किराना, फल और सब्जी अलाउड नहीं है, सिर्फ दूध और दवा की दुकान। क्योंकि सिर्फ 2 दिन का लॉकडाउन है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि सबके पास सप्लाईज होगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि 2 दिन का लॉकडाउन है सिर्फ, तो घरों पे रहें। बहुत विशेष कोई मेडिकल इमरजेंसी है तभी निकले, और उसके लिए भी एम्बुलेंस कॉल कर लें 108 से। प्राइवेट व्हीकल को अवॉइड करें जहाँ तक संभव हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।